हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी बाइक के ऑयल फिल्टर को कैसे चेंज कर सकते हो, इंजन ऑयल को कैसे चेंज कर सकते हो, उसका सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, कई बाइक आती हैं जिसमें ऑयल फिल्टर जो रहता है वो उसके अंदर ही लगा रहता है, उसको हर सर्विसिंग के टाइम पर ना ही क्लीन करना पड़ता है ना ही चेंज करना पड़ता है। और कई बाइक आती है जिसमें ऑयल फिल्टर जो रहता है यहाँ अलग से लगा रहता है, उसको हर सर्विसिंग पे चेंज करना पड़ता है, साथ ही में ऑयल भी चेंज होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ऑयल दिखा देता हूँ जो कि मैं बजाज डिस्कवर 100 ml में डालने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये ऑयल जो है वो 10W30 विस्कोसिटी ग्रेड का है और इसकी जो प्राइस है वो है 370 रुपीज़। और ये बजाज डिस्कवर का कंपनी का ही ऑयल है, बजाज का ही जो आता है, इसको मैं लेकर आया हूँ। साथ ही में ये जो है वो ऑयल फिल्टर है, यहाँ मैं आपको ऑयल फिल्टर दिखा देता हूँ अंदर की तरफ से। तो ऑयल फिल्टर जो रहता है उसको हर सर्विसिंग पे चेंज करना पड़ता है। कई बाइक रहती है जिसमें चेंज करना पड़ता है, जिसमें अलग से ही ऑयल फिल्टर की जगह रहती है। इसकी जो प्राइस है 41 रुपीज़ है, ये बजाज का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है। तो ऑयल फिल्टर और ऑयल चेंज करने से पहले बाइक को थोड़ा सा गर्म करेंगे इसके इंजन को। तो बाइक को ऑन कर देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए ऑन कर दिया है। दस मिनट तक बाइक के इंजन को ऑन करेंगे जिससे बाइक का इंजन है वो थोड़ा सा गर्म हो जाए। उसके बाद क्या करेंगे, बाइक को ऑफ करके उसका सबसे पहले इंजन ऑयल चेंज करेंगे। तो ये बाइक का इंजन है वो गर्म हो गया है। और बाइक के इंजन को गर्म इसलिए करेंगे दोस्तों जिससे जो ऑयल है वो बहुत ही जल्दी निकल आए और सारा जो ऑयल है वो एकदम निकल आए, क्योंकि ऑयल जब गर्म होता है तो एकदम जल्दी जल्दी निकलता है। यहाँ नीचे से ये देखिए, इसको ओपन करेंगे और बजाज डिस्कवर 100 ml में यहाँ पर लगेगा 18 नंबर का पाना। ये देखिए, इस तरह से खोल देंगे, ये ऑयल ड्रेन नट है। ये देखिए, सारा ऑयल निकाल लेंगे आराम से। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये लगा रहता है, ये फिल्टर जैसा कुछ। तो बजाज की बाइक में ये लगा रहता है, डिस्कवर है जैसे कि ये 100 ml, तो इसमें लगा हुआ है। सारा ऑयल अच्छे से निकलने देंगे, बहुत ही जल्दी ऑयल निकल जाता है। बाइक थोड़ी सी देर अगर गर्म हो जाती है तो ये देखिए सारा ऑयल निकल जाएगा। एक एक ड्रॉप निकालने के बाद जब ऑयल आना बंद हो जाएगा तो यहाँ पर इसको क्लीन कर देंगे और इसको वापस अपनी पोजीशन पे लगा देंगे। और ये जो ऑयल जैसा ये फिल्टर को करने के लिए जो कुछ लगा हुआ है, ये कई बाइक में रहता है दोस्तों और कई बाइक में नहीं रहता है। तो ये डिस्कवर 100 ml है तो दोस्तों इसमें लगा हुआ है, तो इसको हमने क्लीन करके वापस अपनी पोजीशन पे लगा दिया है। और नीचे से इसको फिक्स कर देंगे, इसको वापस टाइट कर देंगे। 18 नंबर पाना लगेगा डिस्कवर 100 ml में। इसके बाद दोस्तों ऑयल फिल्टर चेंज करेंगे। जो ऑयल फिल्टर रहता है वो राइट साइड रहता है, सारी बाइक में रहता है वो राइट ही साइड रहता है। ये देखिए, इस तरह आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑयल फिल्टर में, अब आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने अभी आपको बताया था जो कि यहाँ पर लगने वाला है। ये बजाज का ओरिजिनल ऑयल फिल्टर है। तो इन तीनों को खोलना पड़ेगा, इन तीनों बोल्ट को खोल लेंगे। इसमें लगेगा 8 नंबर का पाना, तीनों बोल्ट खोल लेंगे 8 नंबर से। यहाँ से ऑयल निकलेगा क्योंकि यहाँ पर ऑयल फिल्टर रहता है। यहाँ पर जो कचरा वगैरह रहता है ऑयल में सारा फिल्टर से होके जाता है, तो कचरा वगैरह भी यहीं पर रहता है जो कि इस फिल्टर के अंदर रहता है दोस्तों। तो ये फिल्टर आप देख सकते हैं, ये पुराना वाला, इसको हर सर्विसिंग पे चेंज करना पड़ता है। ये देखिए, ये अब ख़राब हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर न्यू फिल्टर इंस्टॉल कर देंगे, ऑयल फिल्टर। तो इसकी जो प्राइस है वो है 41 रुपीज़, ये बजाज का ओरिजिनल पार्ट है। तो ये रहा दोस्तों ऑयल फिल्टर, इसके बाद इसको इंस्टॉल कर देंगे इसमें। उसके पहले इसका जो सरफेस है जहाँ पर ये लगता है उसको क्लीन कर लेंगे, क्योंकि कचरा वगैरह यहाँ रहता है। ऑयल में आपको मेटल के पार्टिकल्स मिल जाएंगे, जो इंजन घिसता है उसी के पार्टिकल्स मिल जाएंगे यहीं पे लगे हुए। तो उसको अच्छी तरह क्लीन करके करेंगे सर्विसिंग के टाइम पे, और उसका सही तरीका यही रहता है बाइक को ऑयल फिल्टर चेंज करने का या फिर ऑयल को चेंज करने का। इसका जो कवर है उसको भी क्लीन करके लेंगे। ये क्लीन कर लिया, उसके बाद ये 8 नंबर के सारे बोल्ट लगा देंगे, तीनों जो लगते हैं। और दोस्तों, कई बाइक में ऑयल फिल्टर रहता है, कई बाइक में ऑयल फिल्टर नहीं रहता है। जिसमें रहता है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जिस बाइक में अंदर की तरफ लगा रहता है जिसको सेंट्रीफ्यूगल ऑयल फिल्टर बोलते हैं, उसको कैसे क्लीन करना है उसके रिगार्डिंग मेरी वीडियो है दोस्तों। कई पल्सर में सेंटर ऑयल फिल्टर रहता है, उसको कैसे क्लीन करना है उसकी वीडियो है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। ऑयल फिल्टर अभी चेंज कर दिया है। ऑयल फिल्टर चेंज करने के बाद इसमें नया ऑयल डालेंगे, यहाँ ऊपर से ओपन करके, ये ओपन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर फनल लगा देंगे, ये देखिए। अब मैं आपको ऑयल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये बजाज का ही ऑयल है, 10W30 विस्कोसिटी ग्रेड का।
इस ग्रेड का चाहें तो दूसरी कंपनी का भी यूज़ कर सकते हैं, 10W30। आप चाहे तो कैस्ट्रॉल का ले सकते हैं, सर्वो का ले सकते हैं, मॉड्यूल का ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप 10W30 ही ले। मतलब आपकी बाइक में जो रिक्वायर्ड रहता है ग्रेड, उसी ग्रेड का लें जिस ग्रेड का भी आपको रिकमेंडेशन कंपनी करती है। इस तरह से सारा ऑयल फिल कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, सारा ऑयल फिल हो गया है। इंजन के कैपेसिटी का आप ध्यान रखें कि आपकी बाइक के इंजन की कैपेसिटी क्या है। 1 लीटर डलता है, 900 ml डलता है, या फिर 1.2 लीटर डलता है, या फिर 1.5 लीटर डलता है। इस बात का आप ध्यान रखें, जिससे इंजन ऑयल कम होने की वजह से कोई भी इंजन का जो अंदर का पार्ट रहता है वो घिस ना जाए। इंजन ऑयल का जो गेज है उसको सफिशियंट रखें। तो इंजन ऑयल चेंज कर दिया, इसके बाद बाइक को थोड़ी देर ऑन कर देंगे 5 या 2 मिनट के लिए, जिससे जो सारा इंजन ऑयल है वो सारे पार्ट में एकदम सर्कुलेट हो जाए, इंजन एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो दोस्तों ये बाइक को ऑन कर दिया है, और यहाँ आप अंदर की तरफ देख सकते हैं जो नया इंजन ऑयल डाला है वो एकदम, हाँ यहाँ से आप देख सकते हैं एकदम ट्रांसपेरेंट जैसा है, थोड़ा सा येलो कलर का। इसमें आप देखेंगे बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी इंजन ऑयल नया रहता है तो वो मिक्स होता है पूरा। तो दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे अच्छी तरह से इंजन ऑयल भी चेंज हो गया है, इसका न्यू ऑयल फिल्टर भी लग गया है, और बाइक भी को हमने ऑन करके सारा फ्लो कर दिया उसके इंजन के अंदर, सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऑयल। तो दोस्तों यही सही तरीका रहता है इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर को चेंज करने का। और दोस्तों इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही में आप भी अपनी बाइक की सर्विसिंग इसी तरह से कर सकते हैं, उसका ऑयल चेंज कर सकते हैं, फिल्टर चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों इस वर्क से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।